तो नहीं रह सकते, दोगुनी सूची में इतनी मेरिट नहीं रह सकती। दोगुनी सूची में मेरिट रहनी चाहिए कम से कम 120, 18, 100 आसपास, यदि पेपर में कोई करप्शन नहीं हुआ है तो। और 130 प्लस, दोगुनी सूची में 130 प्लस आ रही है, इसका मतलब आप अनुमान लगाएं फिर क्या हो, बड़ी बात होगी मैं मानूंगा, मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है फिर ये, ठीक है ना। 130 प्लस दोगुनी सूची में कैसे रह सकती है, 118 के आसपास, 120 के आसपास दोगुनी सूची में अपन रिजर्व कैटेगरी मान सकते हैं, ओबीसी की अपन मान सकते हैं, 127, 28 के आसपास अपन माने डबल सूची में, फाइनल सूची में अपन मान सकते हैं कि 130 प्लस जो मैंने आपको सबसे संभावित बताई थी वो बच्चे सब सेलेक्ट होंगे लेवल फर्स्ट में, तो वो एक आंकड़ा सही बैठ सकता है। बाकी 130 केवल सेकंड डबल सूची में 130 आता है तो बहुत मुश्किल काम है फिर तो।